मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पुलिसकर्मी को लोन ऐप के माध्यम से ब्लैकमेल कर 50,000 के लोन ऐप के एवज में 14 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। कॉल सेंटर से कॉल करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मी को 50,000 का लोन देकर ब्लैकमेल कर लिए थे 14 लाख रुपए। चाइनीज लोन ऐप से पुलिसकर्मी ने 50,000 रुपये का लोन लिया था। लोन ऐप कहाँ से होता है संचालित और पैसों का ट्रांसफ़र कहाँ से होता है इससे लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। चाइनीज ऐप की तरह लोन ऐप भी पुलिस का कहना है क्रिप्टो करेंसी भी होता है पैसों का हवाला। दोनों एंगल से क्राइम ब्रांच कर रही है इस मामले की जांच। सोमवार से डीसीपी क्राइम ब्रांच ने मामले की जानकारी दी है। क्राइम ब्रांच के पास कुछ दिन पहले एक ये शिकायत आई थी जिसमें एक फरियादी ने बताया था कि एक ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से उसने कुछ लोन लिया था और जिसके रीपेमेंट में उसने काफ़ी बड़ा अमाउंट पेमेंट करने के बाद भी उसको बार बार अलग अलग नंबरों से धमकियां आ रही हैं, उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी फ़ोटो उसको मॉर्फ किया जा रहा है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हमारी टीम ने इसमें मुंबई से 3 आरोपियों को पकड़ा है। वहाँ पर पहुँचने के बाद मुंबई पहुँचने के बाद ये एक सिस्टम हम लोग को समझ में आया कि इस तरह के लोन ऐप्स के पीछे 2 तरह के सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक तो जो अकाउंट्स होते हैं जिनमें पैसे जाते हैं वो एक सिस्टम अलग है, वो एक अलग रिजीम है। दूसरा सिस्टम होता है जो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं और उनसे वसूली करवाते हैं। इस मामले में जो फिलहाल अपने पास 3 आरोपी पकड़े गए हैं ये तीनों नवी मुंबई के हैं। वहाँ पर ये लोग फरियादी को फ़ोन करके परेशान करने के नाम पर जो नंबर प्राप्त हुआ था उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उनमें अभी फ़िलहाल अपनी इन्वेस्टिगेशन में करीब 486 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि फरियादी ने रीपे किए हैं। वो बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे गए हुए हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मनी ट्रेल को हम लोग अलग से अभी अलग से फॉलो कर रहे हैं कि वो पैसे करीब 14 लाख रुपए जो हैं वो कहाँ गए हैं, किन अकाउंट्स में गए हैं और उन अकाउंट से और कहाँ कहाँ उस पैसे को ट्रांसफ़र किया गया है। ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं ये कॉल सेंटर के माध्यम से जो इस तरह के लोन ऐप में लोन लेने वालों को धमकाते थे और उनकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करवा के उसके बदले ब्लैकमेल करके उनसे अधिक से अधिक पैसे वसूलते थे। गाड़ी में बैठा।